टूटा फूटा सा खंडहर जैसा कुछ ऐसा है दोस्तों। लाइट जलाकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मठ के नीचे में है, मिट्टी दिख रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने भी सब्सक्राइबर है ना यार, उनको कलेजे से थैंक यू यार। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, कोई बात नहीं यार, बाद में कर लेना। तो दोस्तों, मैं हूँ राजगीर के, ये लिखा हुआ है मनियार मठ के पास। चलिए इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। बहुत ही कम इसके बारे में लोगों को पता है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों बाहर से ये, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं मनियार मठ के ऊपर। कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों बाहर से, ये देखिए ऊपर में टीन लगाया गया है ताकि जो बारिश होता है उससे क्षति ना हो। इसका टूटा फूटा सा खंडहर जैसा कुछ ऐसा है दोस्तों ये मनियार मठ। तो चलते इसके अंदर, और आने वाले समय में शायद इसके अंदर जाना मनाही हो, सरकार रोक लगा दे। फिलहाल तो अभी रोक नहीं है, तो चलते हैं। पहले बाहर से इसके दीवारों को देखते हैं दोस्तों। कुछ ऐसा ये मनियार मठ था। और ये देखिए दोस्तों, ये नीचे में चीनी मिट्टी से प्लास्टर किया गया है इसे, और यहाँ पे छोटी छोटी ईंटों से बनाया हुआ है। ये खिड़की जैसा दिख रहा है दोस्त, ऊपर में ऐसा मठ नुमा गोल स्ट्रक्चर था ये। तो दोस्तों, अभी जो ये मनियार मठ है, इसमें जो ताखे दिख रहे हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ये अलमारी जैसे जो ताखे दिख रहे हैं। 13 कोटि का गच गच चुन्ने सुर्खी के प्रतिमा था जे, इसी जितना जी प्रतिमा जी देख रही है ना। हाँ, ये सभी धर्म का असल चीज जैसे है, जैसे बुद्धिस्ट का भी प्रतिमा था, जैन लोग का भी था, वैष्णव का भी था। अच्छा, सभी जो 1934 के जो भूकंप आया ना, तो सभी प्रतिमा है इसमें सब खंडित हो गई। खंडित हो गई, इसमें तीनों धर्म के प्रतिमा थे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म का ये देखिए, इसका पैर दिख रहा है इसमें, शायद नीचे में जो दिख रहा है इसमें दोस्तों, आप देख सकते हो पैर दिख रहा है। तो दोस्तों, इसके चारों तरफ जो ये मठ है मनियार मठ, इसके चारों तरफ घूमकर देखते हैं। ये देखिए कुछ टूटा फूटा सा बच्चा ये प्रतिमा दोस्तों, और यहाँ पे कुछ दीवारों पे देखिए ये दोस्तों दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके नीचे भी जाकर देखेंगे दोस्तों, बहुत ही अपने आप को यार भाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी नीचे जाके देख सकते हो आप लोग। बाद में इसे प्रिजर्व कर दिया जाएगा, तो आप नीचे भी नहीं जा सकते हो। ऊपर में भी देखो, इस मनियार मठ के ऊपर में भी कुछ स्ट्रक्चर बने हैं दोस्तों, आपको दिख नहीं रहे होंगे पर यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों, ये देखिए। और ये चक्रनुमा है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे चक्रनुमा है। अब क्या है इसके बारे में दोस्तों, यहाँ पे उतना जानकारी मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। और यहाँ से चलते हैं इसके नीचे की तरफ, थोड़ा सा रास्ता कठिन है दोस्तों, ये देखिए। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए, न्यू स्टेप्स इरेडिकेटेड इन 1937। तो कुछ स्टेप्स थे दोस्तों यहाँ पे जो कि इरेडिकेट हो चुके हैं 1937 में। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे गुफा बना हुआ है, इसके दोनों तरफ ये देख सकते हो ऐसा है। इसके नीचे भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, जो कि मिट्टी से भर चुका है। तो अभी उतना जानकारी नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये जो मठ है इसके अंदर जाने का ये रास्ता है दोस्तों। तो चलिए इसके अंदर भी जाकर देखते हैं। मैंने सूज निकाल दिया है, वैसे यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि मनाही है, पर फिर भी कोशिश करते हैं दोस्तों जाने के लिए। और ये देखिए, ये पत्थर देखिए दोस्तों, बहुत ही नायाब सा पत्थर है उस ज़माने का, और अंदर में कुछ ऐसा है दोस्तों। लाइट जलाकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मठ के नीचे में है, मिट्टी दिख रहा है। कुछ ऐसा दीवार है दोस्तों इसका, और ऊपर में ऐसा दिख रहा है यार ये मठ, कुछ ऐसे इसका जो ऊपर में जो छत था भूकंप में टूट चुका है, लाइट नहीं होने के वजह से प्रॉपर नहीं दिख रहा है ये, पर ऐसा दीवार है ये, और नीचे में मिट्टी है, लोग पैसे ये सब भी इसके अंदर डाले हैं। इस जो मठ था इसका बहुत ज़्यादा मान्यता था दोस्तों,
यहाँ पे लोग पूजा करते थे और तीनों धार्मिक लोग पूजा करते थे दोस्तों। इसके कुछ ऐसा रास्ता है, ये यहाँ से रास्ता है, इसके बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मन्यार मठ अपने ज़माने में बहुत बड़ा रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हो यार, इसका स्ट्रक्चर देखो आप। ये भी बाहर का बाहरी गुंबद दिख रहा है, जैसे घेरा, बाहरी घेरा, और इसके अंदर ये दिख रहा है दोस्तों, कुछ ऐसा सा है। और इसके बाहर भी चारों तरफ ऐसा गैलरी बना हुआ है दोस्तों, जैसे महाबोधि मंदिर है बोधगया में, उसके चारों तरफ ऐसे गैलरी है, तो यहाँ पर भी ऐसा बना हुआ है। और यहाँ पे जो बौद्धकालीन अस्तूपा होते थे वो भी है दोस्तों। अस्तूपा मतलब जैसे जो भी मॉन्क थे, तो जब मरते थे तो उनके जो हड्डी होते हैं, उनका जो बॉडी होता है, अस्तूपा के नीचे दफन होता था। तो ये अस्तूपा लग रहा है दोस्तों, ये कुछ ऐसा सा अस्तूपा बना हुआ है यहाँ पे चारों तरफ ये। और दोस्तों इसके बाहरी दीवारों की तरफ चलते हैं, यहाँ पर अलमारी है, देख सकते हो आप। ये दीवारों के बीच में ऐसे अलमारी बना हुआ, और कुछ ऐसे है इसके चारों तरफ, आप घूम सकते हो। यहाँ से रास्ता क्लोज हो चुका है दोस्तों, वैसे ये नेचुरली क्लोज नहीं है, यहाँ पे जानबूझकर क्लोज किया गया है रास्ता को, प्रिजर्व करने के लिए इसको। तो मन्यार मठ के बारे में आपको विकिपीडिया पे भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा जानने के लिए। इसके बारे में अभी बहुत सारी धारणाएं हैं जो कि लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए इसके बारे में जो जानकारी है बहुत ही लिमिटेड है दोस्तों। पर फिर भी जानने का कोशिश करते हैं। इसके जो चारों तरफ परिसर है, इसके बाहर कुछ ऐसा दृश्य दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। लोग बोलते हैं कि ये जो था ये अस्तूपा है दोस्तों, ऐसा लोग बोलते थे, पर इसके बारे में एक्चुअल फैक्ट क्या है ये तो इतिहासकार ही बताएंगे, और तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। कुछ ऐसा दिख रहा है, ये उसी टाइम का है ऐसा। और यहाँ से देखिए इसका लुक ऐसा दिख रहा है दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा और भव्य था दोस्तों यहाँ पे। आज तो चारों तरफ जंगल झाड़ हो चुके हैं, और अभी अभी जब मैं आया था तो थाईलैंड के जो बौद्ध धर्मावलंबी थे वो पूजा पाठ कर रहे थे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के लोगों के बीच में इस जो मन्यार मठ है, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा लगाव है उनको दोस्तों। ये देख सकते हो यहाँ पे गार्डन को विकसित किया जा रहा है, यहाँ पे शायद स्टेज जैसा कुछ होगा। यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हमारा सीढ़ी है वहाँ से जाने का, ये जो है मेन सीढ़ी, यहाँ पे देख सकते हो। ये मेन सीढ़ी के जो बगल है, इसके दोनों तरफ एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड ऐसा बना हुआ है चबूतरा, और ये पिलर हुआ करते थे दोस्तों, ये देख सकते हो आप। नालंदा विश्वविद्यालय में भी ऐसे पिलर फाइंड हुए थे, और ये पिलर है, तो शायद यहाँ पे खंभा होगा बहुत बड़ा बड़ा, और ये सीढ़ी का ऐसा रास्ता होगा, लोग जाते होंगे। कुछ ऐसा नज़ारा होगा, बहुत ही भव्य नज़ारा दोस्तों।